सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम हिंदी वन की जो बुक है नूतन सरल हिंदी माला, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा जो ये लेसन था 13, कौन बड़ा, ये हम पढ़ चुके हैं। इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो शरीर से बड़ा है ज़रूरी नहीं कि वो ताकतवर हो, है ना बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको हरा सके। इसलिए हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना है। हो सकता है छोटे से छोटा जो जीव है या जंतु है, जो भी है, वो हमको हरा दे। इसलिए हमें कभी भी अपने बड़प्पन पर या हमें अपने बड़े होने पर कभी भी घमंड नहीं करना है। हमें अपने ताकत पर कभी घमंड नहीं करना है और हमें सबसे मिलजुल कर हमें रहना है। ये हमने इस लेसन में सीखा था। ओके, आज हम इसके अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं बच्चों। शब्दार्थ और कठिन शब्द मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं, अब हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। पहले हम बच्चों जो इसमें शब्द कौशल है पहले उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है बोलो और देखो, आपको क्या करना है, यहाँ देखना है और सेम सेम बोलकर वही सेम शब्द आपको लिखने हैं। जैसे गुस्सा, पंजा, खाल, खून, कमजोर, ओके। ये आपको मेरे प्यारे बच्चों अपनी बुक में ही करना है। आप लोग इसको अब या तो अभी करेंगे या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हैंडराइटिंग में देखकर सही सही शब्दों को अपनी जो है बुक में आप इसको भरेंगे। सेकंड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके पास आ जाता है भाषा कौशल का। सही शब्द लिखकर वाक्य आपको पूरे करने, ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दे दिए हैं, उनको आपको अपनी जो खाली जगह दिया है वहाँ भरना है। यहाँ ऊपर आपको ये शब्द दिए हुए हैं, आपको इन शब्दों को यहाँ पर खाली जगह में भरना है, ओके। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य दिया है शेर पेड़ डैश बैठा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शेर पेड़ के नीचे, यहाँ पर आपको लिखना है के नीचे बैठा है, ओके। शेर कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। दूसरा बच्चों है गेंद टोकरी में डैश रखी है, तो गेंद टोकरी क्या जाएगा, के अंदर रखी है, तो आपको यहाँ क्या बनना है, के अंदर, गेंद टोकरी के अंदर रखी है, ओके। थर्ड है बच्चों चिड़िया पिंजरे डैश है, तो चिड़िया पिंजरे के बाहर है, चिड़िया कहाँ है, पिंजरे के बाहर है ना, तो यहाँ आ जाएगा चिड़िया पिंजरे के बाहर है, ओके। फिर है बच्चों कंप्यूटर मेज डैश रखा, तो कंप्यूटर मेज के ऊपर रखा है ना, कंप्यूटर कहाँ रखा है, मेज के ऊपर रखा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, के ऊपर। जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आपको भी अपनी बुक में ही लिखना है ये वाला क्वेश्चन। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चित्र को देखो, शेर के बारे में लिखकर सबको बताओ। यहाँ पर हेल्प बॉक्स दे दिया है हमें और हमें इस शेर के बारे में जो है यहाँ पर खाली जगह में हमें भरना है। पहला है शेर एक डैश पशु है, तो शेर एक जंगली पशु है, यह जंगल का डैश है, तो शेर क्या है, जंगल का राजा है, तो आपको यहाँ पर राजा लिखना है। यह डैश खाता है, यह क्या खाता है बच्चों, यह मांस खाता है। इसके डैश बड़े तेज होते हैं, इसके दांत जो होते हैं बड़े तेज होते हैं। लास्ट इसकी गर्दन पर डैश होते हैं, इसकी गर्दन पर क्या दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, ये बाल होते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है बाल। जिस तरह से मैंने अपनी बुक में करा है आप भी अपनी बुक में ही करेंगे, ओके बच्चे। इसके बाद आपके पास जो मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है मौखिक प्रश्न में बच्चों, वो है पेड़ के नीचे कौन सोया था, तो आपको सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है शेर। क्वेश्चन नंबर टू है भिन भिन कौन कर रहा था, तो आपको लिखना है मच्छर। फिर थर्ड है शेर ने गुस्से में क्या किया, उसने क्या करा था, पंजा मारा था ना, तो आपको लिखना है पंजा मारा, ओके। फिर बच्चों आपके जो अभ्यास कार्य में पाठ के प्रश्न हैं वो आपको लिखित में आपको बड़े आंसर्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है शेर मच्छर को क्यों भगा रहा था, तो क्योंकि मच्छर शेर के पास बैठा था और उसने क्या करा था,
उसको तंग कर रहा था, भिन भिन कर रहा था, और शेर को अपने पास अपने आप पर घमंड था और वह जंगल का राजा था, इसलिए वो उसको भगा रहा था, है ना। फिर मच्छर ने क्या जवाब दिया? मच्छर ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। मच्छर ने क्या कहा था? मैं किसी से नहीं डरता। फिर बच्चों क्वेश्चन है, गुस्से में आकर शेर ने क्या किया? गुस्से में आकर शेर ने मच्छर पर पंजा मार दिया, है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पंजा लगने से शेर को क्या हुआ? गाल की जो खाल थी वो निकल आई और खून निकल आया, है ना। तो उसकी गाल की जो खाल थी वो निकल गई थी। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको जब पीडीएफ आएगा तभी आपको करने हैं। बुक वाला पीडीएफ आएगा वो आपको बुक में करना है। क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ आएगा वो आपको क्वेश्चन आंसर, जब पीडीएफ आएगा तभी आपको अपना काम अपनी कॉपी में करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आपको स्टोरी अच्छी लगी थी ना? मुझे विश्वास है आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप इसका लिख लिख के अभ्यास करेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और प्यार से रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय।